बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का पहली बार पटना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। खुली गाड़ी में एयरपोर्ट से पटना कार्यालय पहुंचे संजय जायसवाल के स्वागत में एक तरफ जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आतिशबाजी भी की जा रही थी। मंच पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं जा सकते। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मेरे शरीर में लालू प्रसाद का खून है। मनुवादी या सांप्रदायिक शक्ति से कोई समझौता नहीं कर सकता। जनादेश न मानने वालों के भी साथ नहीं जा सकते। अपने आवास एक पोलो रोड पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और आर्थिक मंदी पर बात नहीं होती। लोगों को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। पटना और भोजपुर के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फरार चल रहे आरजेडी विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भोजपुर पुलिस की विशेष टीम ने दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। पुलिस ने पहले विधायक के पटना स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की और नोटिस चिपका दिया। फिर आरोपी विधायक के लसाढ़ी और ऑगी ऑफ बाजार स्थित घर पर भी नोटिस चिपका दिया। दरअसल पीड़िता की ओर से दूसरी बार कोर्ट में दिए गए बयान के बाद अरुण यादव फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब लोगों को गाड़ियों की प्रदूषण जांच कराने के लिए लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए पटना में 10 मोबाइल वैन निकाले हैं जो लोगों की मांग पर उनके घर और अपार्टमेंट तक जाएंगे। हालांकि घर या अपार्टमेंट में ये सेवा लेने के लिए कम से कम 15 से 20 गाड़ियों का होना आवश्यक है। प्रदूषण जांच मोबाइल वैन को घर तक बुलाने के लिए एक दो दिनों में विभाग टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। विभाग ने मंगलवार को सचिवालय परिसर में इन मोबाइल वैनों का ट्रायल किया है और जिन लोगों ने जाँच कराई उनका प्रमाण पत्र तुरंत दे दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को काफी देर तक विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बाधित रही। दरअसल एयरपोर्ट पर आज रनवे के बगल में फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ रोक दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2 घंटे तक यहां पर विमानों की आवाजाही ठप रही। एयरपोर्ट से उड़ान बंद होने की जानकारी मिलते ही अधिकारी वहां पहुंच गए। एयरपोर्ट की टेक्निकल टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया और विमानों के उड़ानों को रोकने की सिफारिश की। बता दें कि पिछले 2 दिनों में पटना में जोरदार बारिश हुई, इसकी वजह से एयरपोर्ट की जमीन गीली हो गई। बाद में अधिकारियों और टेक्निकल टीम की काफी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ी को वहां से हटाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।